झांसी, पत्नी की हत्या कर पति फांसी पर झूला, मौत। मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खिलारा में आर्थिक तंगी व मानसिक तनाव के चलते पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते पति द्वारा पहले पत्नी के हथौड़े से हत्या कर दी गई, बाद में खुद फांसी के फंदे से झूल गया। घटना की सूचना मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खिलारा में शनिवार की सुबह आर्थिक तंगी व मानसिक तनाव से जूझ रहे लखन पुत्र घनश्याम कुशवाहा का विवाद अपनी पत्नी राजकुमारी से किसी बात को लेकर हो गया, जिसके चलते लखन ने अपनी पत्नी के ऊपर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। मृतक के 6 पुत्रियां हैं, जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी मृतक लखन के ऊपर ही थी, जिसके चलते आए दिन दोनों पति पत्नी में विवाद होता रहता था, जिसके चलते पति द्वारा खौफनाक कदम उठाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या घटना घटी अभी? साहब हम कोई पता नहीं, हम काट भी गए थे। कौन है? लड़का बहू। लड़का बहू यही में बैठ जाना। आपको कैसे पता चला? हमारी डुकैया गई थी। अच्छा, क्या कर लिया लड़का बहू ने? आप हम नहीं बता सकते ना, हमें जानकारी या कोई कोई जानकारी नहीं। जब आप आए आपसे तो क्या लड़का बहू कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अभी कछु नहीं भाई, हमें तो मतलब अंधा है तो कमरा गई और बहू खाट पर पड़ी थी। आपके आने से पुलिस पहले पहुंची थी कि बाद में? नहीं, हम बाद में आई पुलिस, हमें हमने बुलाओ है। पुलिस को सूचना किसने दी? बकी साहब से कहा हमने। अच्छा, प्रधान जी से? नहीं, बकी साहब से। चलो अच्छा बैठो। सर खिलाड़ा में क्या घटना घटी है, क्या मामला है? खिलाड़ा से भी सूचना मिली है कि श्रीमती राम कुमारी 35 वर्षीय जिनकी उम्र थी, ये पत्नी है लखन कुशवाहा की, इनकी अभी सिर पे कुछ वार किए गए हैं और उससे जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। जब पुलिस वहाँ पहुंची मौके पे तो देखा है कि हम कमरा अंदर बंद करके लखन कुशवाहा ने भी स्वयं को फांसी लगा के हत्या कर ली थी। संभवतः इसमें ये प्रतीत हुआ है, आसपास के लोगों से भी जानकारी मिली कि लखन कुशवाहा की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करता था और घर पर भी बताया करता था कि मैं तुम सब लोगों को मैं मार दूंगा। उसका पहले भी मानसिक इलाज चला है। पोस्टमार्टम के लिए दोनों लाशों को भेज दिया गया है। जो भी कार्रवाई होगी उसकी बड़ी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद।